हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है संडे। संडे तो फंडे होता है, पर संडे फंडे नहीं होता। औरतों का संडे जो है बहुत ज़्यादा काम वाला डे होता है, बहुत ज़्यादा बिजी वाला डे होता है। तो सेम मेरा भी है, तो मैं वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। संडे वाले दिन एक्स्ट्रा से काम निकल के आता है जो हम हाउस वाइफ के लिए। तो हम हाउस वाइफ का तो हर दिन संडे, हर दिन मंडे, यही होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, संडे वनडे कुछ नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने संडे वाले दिन कितना सारा कपड़ा धोया। वैसे तो ये सारे कपड़े डेली धुले जाते हैं, बट होता क्या है कि संडे वाले दिन ना बेडशीट वगैरह धुली जाती हैं, तो और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। बाकी इतने कपड़े तो डेली ही डेली रहते हैं, क्योंकि नहाना धोना तो डेली सबका रहता ही है। और आज संडे था तो आज बच्चों को भी नहला दिया, तो बच्चों के भी ज़्यादा से कपड़े निकल आए हैं। नहीं तो बच्चे हफ्ते में एक दिन नहाते हैं और दूसरे दिन में कपड़े चेंज कर देती हूँ, तो उतना कपड़ा नहीं रहता है। लेकिन आज बेडशीट वगैरह और बच्चों ने भी नहा लिया है, तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे। तो ये रहा मेरा आज फ्री वाला दिन। और किस किस को लगता है कि संडे वाले दिन बहुत आराम करेंगे, संडे वाला दिन ऐसे आलसीपना में बीत जाएगा? तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि संडे वाला दिन आलसीपना में बीत जाए, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन के लिए मैं पहले से ही प्लान करके बैठी रहती हूँ कि आज मुझे ये भी धुलना है, वो भी धुलना है, और बच्चों का भी ये करना है। पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोलते हैं कि आज संडे है तो आज इंजॉय करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, और इसको फोल्ड करना सबसे बड़ी बोरियत का काम मुझे लगता है, क्योंकि कपड़े धुलना और टांगना वो बहुत अच्छा लगता है। कपड़े धुलने तक तो बहुत अच्छा रहता है, बटोर बटोर के उन्हें मशीन में डालना रहता है, वो अच्छा लगता है, पर उतार के उसको ला के फोल्ड करके रखना, ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। क्योंकि जो है छोटे बच्चों के कपड़े अलग, बड़ों के कपड़े अलग, और बेडशीट वगैरह अलग, फिर उनको अपनी अपनी जगह पर जमाना, मतलब बहुत बोरिंग लगता है। और जब धुलना रहता है तो बस धुल दो फटाक से और टांग दो कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे यही लगता है। पर इस काम से भी बचा नहीं जा सकता, करना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, वरना ऐसे ही बिस्तर पे फैला पड़ा रहेगा, फिर कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, फिर बेड पे इंसान नहीं कपड़े नजर आएंगे। इसलिए इसको डेली फोल्ड करके रखना ही पड़ता है। तो बस मैं वहाँ पे जा रही थी जो है इसको फोल्ड करने, और फोल्ड करके मैं रख दूँगी। आधा घंटा अगर नहीं तो 15 मिनट तो आराम से लग जाना इतने सारे कपड़े मोड़ने में। संडे वाला दिन ऐसे ही रहता है, एकदम बिजी बिजी सा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं रहता है, आराम नहीं रहता है। और ये देखो बच्चे भी आ गए, और बच्चे क्या खेल रहे हैं दिखा दो, दिखा दो, तुम लोग क्या खेल रहे हो, इसमें क्या है? पहले दिए, वापस दो, मैंने दिए, वापस दो, वापस दो, वापस दो, तो मेरा ये वापस दो, और अभी तक मैं बहुत शांति से वीडियो बना रही थी, तो ये दो तीनों बच्चे नहीं थे। मम्मा कुछ भी नहीं दे रहा। कोई रोएगा नहीं, लेकिन कोई रोएगा नहीं। एक सामान दीदी को दे दो, दे दे, आपके काम में। अरे ऐसी कोई बात है? एक सामान दीदी को दे दो, लाओ अपनी डोरी दो, जैकेट की डोरी दो। चलो बाय बाय कर लो सब लोग, अब हमको कुछ दे दो, नाटक खत्म।